हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। तो मैंने कुछ सामान मंगाया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने ये सारा सामान जो मंगाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला मेरा सेट है ये, जो कि चोकर सेट है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, आप देखते हैं कैसा है। तो मुझे इस तरीके से डब्बे में आया हुआ है, ये इस पैकेट में था, अभी मैंने निकाल के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा चोकर, जो कि इस तरीके से आएगा। और इसके साथ ईयरिंग भी इस तरीके से आएगा आपको। और इसमें जो है ये टीका भी मिल जाता है आपको, ये बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत सा सेट है। तो चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा है। तो हमारा दूसरा सेट जो है ये है, इसमें दो सेट है, एक चोकर आएगा, एक लंबा सा हार आएगा, और दोनों में ईयरिंग आएगा। तो ये पूरा पैक है, तो इस तरीके से मुझे मिला हुआ है। तो चलिए खोल के देखते हैं। तो पहला हमारा ये है, जो कि बहुत प्यारा सा चोकर आएगा, और इसके साथ इस तरीके से ईयरिंग आएगा आपको, ये चोकर के साथ। और एक लंबा सा है इसी में, जो कि इस तरीके से आपको हार आएगा, इसी में आएगा आपको, एक चोकर आएगा, एक ये लंबा सा हार आएगा आपको। और इसके साथ भी हमें ये ईयरिंग मिला हुआ है, और चोकर के साथ ही ये वाली आप देख सकते हो। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। अरे पहनने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो ये लॉन्ग हार है, ये चोकर है, और लॉन्ग हार के साथ जो है ये ईयरिंग मिला था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये चोकर के साथ ये छोटा सा ईयरिंग मिला हुआ था। पूरा का पूरा सेट ही है ये, सब एक साथ ही आएगा आपको। तो आपको जब मन हो लॉन्ग ईयरिंग पहन लें, और जब मन हो शॉर्ट ईयरिंग पहन लें। तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और तीसरा जो है हमारे पास ये है, जो कि एक राजस्थानी टीका बोल सकते हैं, ऐसे तो इसे शीश फूल बोला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से है, तो ये आपको खुद से बांधना पड़ता है, ये सिर्फ आपको इस तरीके से आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से पहनेंगे। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, भाई भाई दूज के ब्लॉग में, तो मैंने उसे यहाँ पे ऐसे करके पहना हुआ था, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था। तो आप इसे ऐसे भी वेयर कर सकते हो, और यहाँ तो आप पहन ही सकते हो इसको। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आएगा, इसको आपको पीछे से जो है बांधना पड़ेगा। तो अब मैंने इसको बांध दिया, और आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। तो इसके साथ आप ऐसे इसको वेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा चौथा जो सामान है वो है ये, जो कि राजस्थानी नथ है,
मैंने ये मंगाया तो सोचा इसके साथ तो ये होना ही चाहिए, तो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आएगा आपको, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ, इसके साथ ये बहुत ही अच्छा जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे खरीदा। तो अभी तो मैं इसे ऊपर से डाल रही हूँ, यहाँ से इसे आपको खोलने के लिए मिल जाएगा। तो मैं भी ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हम इसे यहाँ लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अभी अगली बार कोई अगर पूजा पाठ होगा तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। ये पूरा रॉयल लुक देता है, एक रानी महारानी की तरह। तो मुझे तो ये सेट बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका तो लिंक मैंने मीशो से मंगाया, तो लिंक तो आता नहीं है, तो इसलिए मैं इसका लिंक आपको नहीं दे पाऊंगी। नंबर कोड आता है तो नंबर डाल दूंगी मैं, तो आप देख सकते हो। तो और ये साड़ी भी तो मीशो से ही है, तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। और मैंने कुछ साड़ी और सूट मंगाया हुआ है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वाओ, तो ये मेरा छोटा छोटा बेबी, ये क्या है, क्या है ये, क्या है, क्या है, वो क्या है, वो क्या है, फोन है, क्या है, ना खुल गया, कैसे खुल गया बाबू, ना टूट जाएगा, हाँ लगा दीजिए। हम्म।